चक दे गर्ल सागरिका घाटगे अब अपनी स्पॉटी इमेज को तोड़कर अब ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने जा रही है और उन्हें ऐसा मौका मिल रहा है उनकी आने वाली फिल्म फॉक्स से, जहां पर वो होगी स्टाइलिश अर्जुन रामपाल के साथ। वैसे दोबारा सागरिका को प्रीति सब्रवाल के रोल में देखना थोड़ा मुश्किल ही है, आखिर चक दे जैसी फिल्में रोज रोज कहाँ बनती है। सागरिका घटगे चक दे की टीम की सबसे होनहार खिलाड़ी थी, साथ ही उनमें था वो एक्स फैक्टर जिसने उन्हें बाकी की लड़कियों से अलग बना दिया। सागरिका का ग्लैमर क्वेश्चन था सभी लड़कियों से हटके, लेकिन पहली ही फिल्म में स्पॉटी लुक में नजर आने वाली सागरिका अब ग्लैमरस रोल की तरफ ध्यान दे रही है, या यूं कहे कि अब सागरिका को अपनी स्पॉटी इमेज तोड़ने की नौबत आ गई है। आई डोंट थिंक सो, इट्स नॉट अबाउट तोड़ने की नौबत, बिकॉज़ आई थिंक द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट आई एम डूइंग एंड द काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स दैट आर कमिंग माय वे आर नॉट एट ऑल स्पॉटी। So I think being an actor you have to experiment with everything and that's what I'm doing. चकदे के बाद सागरिका नजर आएंगी अर्जुन रामपाल और उदिता गोस्वामी के साथ फॉक्स में, लेकिन हर बार की तरह सागरिका फिल्म के बारे में ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती थी, जबकि उनके पास कहने को बहुत कुछ है। I can't really talk much also because it's a guy in kind of a thriller. There's Arjun Rampal, there's Sunny Deol. So looking forward to it. We've shot like almost, we're going now for a Goa schedule. वेल सागरिका जब अच्छी स्टोरी और बेहतरीन स्टार्स का साथ है तो फिर इसकी चर्चा करने में कंजूसी कैसी। वो कहते हैं ना कि फिल्म की चर्चा जितनी हो उतना ही अच्छा होता है। उम्मीद है कि आप कम वक्त में ज्यादा बोलने की प्रैक्टिस जरूर कर लेंगी। कायनात खान, जूम, मुंबई।